हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज क्लास 11th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम एंड चैप्टर इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पार्ट टू। ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट आपने देखा, ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट में मैंने ग्रेविटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूटन्स का लॉ आपको पढ़ाया, और यदि आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से देख लिया है तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है, कैसे चेंज होता है, ये हम सेकंड पार्ट में आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास, और एक एक करके हम एक एक वेरिएशन को पढ़ते जाते हैं। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी के वैल्यू में वेरिएशन किस तरह से होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट विच इज 6.67 × 10⁻¹¹, बट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इज चेंज विथ डिफरेंट रीजन्स। यहाँ हमको देखना है कि कौन कौन से रीजन से वो चेंज होता है, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विथ हाइट। फर्स्ट इज विथ हाइट। हाइट के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, हाइट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हाइट के रेस्पेक्ट में जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, फिर देखेंगे डेप्थ में। वन बाय वन अपन देखते हैं। देखिए तो यहां पर हम इमेजिन करें कि सपोज ये अर्थ है, अर्थ का हमने रेडियस ले लिया कैपिटल आर, एंड मास ऑफ अर्थ इज सपोज कैपिटल एम। अब हम देखते हैं कि अर्थ के हमने सरफेस से क्या किया, ये अर्थ के सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल जी है। अब हमने क्या किया, इसको एच हाइट ऊपर शिफ्ट कर दिया। सपोज हमने इसको एच हाइट, ये ग्राउंड सरफेस से, अर्थ के ग्राउंड सरफेस से ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, और इसको हमने एच हाइट शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर सपोज इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी डैश। क्लियर? ऑन द ग्राउंड सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी, एंड एट एच हाइट इट्स वैल्यू इज जी डैश। ये ध्यान में रखना। अब हम वन बाय वन क्या दोनों कंडीशन के लिए, बहुत आसान है और बहुत आसान मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसके रिलेशन को आप एक बार समझना। ऑन द सरफेस सबसे पहले अपन निकालते हैं, ऑन द सरफेस इरेजर सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये, या एट पॉइंट ए भी कह सकते हैं। सपोज इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर कर दूं और इस पॉइंट को बी कंसीडर कर दूं, तो एक्सप्लेनेशन में आसान हो जाएगा। तो चलिए इसका हम करते हैं कैलकुलेशन। एट पॉइंट ए, दैट मीन्स ऑन द सरफेस, एट पॉइंट इज ऑन द सरफेस। फिगर के नीचे आपको कंसीडर लिखना है, फिगर के नीचे आपको इस तरह से कंसीडर, आपको नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स अवेलेबल है आपको, और आपको ये नोट्स मिलेगा हमारा ओरिजिन कोचिंग का जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाइए कंटेंट्स स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी चार्ज के आपको वहाँ पर पूरा आपको फिजिक्स का नोट्स मिलेगा। ओके, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, तो जी इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन के बेस पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एट पॉइंट ए ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट बी पर, एट पॉइंट, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमने कितना लिया है, जी डैश। ये बी पॉइंट पर हमने इसको जी डैश लिया है, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम, दोनों कांस्टेंट है। और अब इसका सरफेस से हाइट, यहाँ से ग्राउंड सरफेस से टोटल सेंटर से इसका हाइट कितना हो जाएगा, आर प्लस एच।
आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। ओके, अब यहाँ से इसके सेंटर से इसका हाइट ये आर है, ये एच है, तो आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इसका हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो अपन क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। नाउ सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देन वी गेट जी डैश अपॉन जी इक्वल। यहाँ पर देखो, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, तो सेकंड में फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, जी एम जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इम्प्लाइज जी डैश अपॉन जी इक्वल आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं आर को कॉमन कर लेते हैं, ये अंदर से आर को कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा तो बाहर आके आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर में दोनों में आर डिवाइड होगा तो वन प्लस एच अपॉन आर टू दी पावर टू, इस तरह से ये हम आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। आर स्क्वायर को कॉमन करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद हमको रिलेशन मिलेगा, देयर फोर जी डैश अपॉन जी इक्वल यहाँ पर वन है, इसको ऊपर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो वन प्लस एच अपॉन आर टू दी पावर माइनस टू। क्लियर, अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से हमने पढ़ा है, आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स यदि पढ़ा है हमारा तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया, वहाँ पर मैं यूज इन फिजिक्स में आपको पढ़ाया था, यह आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के जो वीडियोस हैं उसमें अलजेब्रा का पोर्शन आप देखो, वहाँ पर मैंने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। तो यहाँ पर माइनस टू क्या होगा, यहाँ सामने आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो देयरफॉर उस कंडीशन में जी डैश अपॉन जी इक्वल टू ये सामने आके मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये हो जाएगा। क्लियर, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन एर आर, ये फाइनल इक्वेशन आएगा। आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन, इस कंडीशन में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और स्पेशल केस में इसको करेंगे जब उसका हायर ऑर्डर पावर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो अब लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जी डैश अपॉन जी इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर में, तो यहाँ ध्यान से समझना आप, यहाँ पर देखो ये वन है और वन में टू एच माइनस आर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा, लेस देन वन होगा। इसको हम लिख सकते हैं लेस देन वन, विच इज़ लेस देन वन बिकॉज वन माइनस टू एच अपॉन आर इज लेस देन वन, वन में कोई भी क्वांटिटी माइनस होगा तो उसका वैल्यू वन से लेस देन हो जाएगा। अब वन से लेस देन हो जाएगा जी डैश जी को उधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर जी को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो जी डैश इज़ लेस देन, यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो जी डैश इज़ लेस देन जी। इससे क्या पता चलता है कि जी डैश मतलब एच हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड से क्या है, कम है, लेस देन है। दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी डिक्रीजेज, ये डिक्रीज हो जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ओके, तो इन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे आप। देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो बाद में जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब का कितना इंपॉर्टेंस है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से इसको तैयार करना है, फार्मूला लर्न भी करना है। और आपके स्कूल एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो आएगा एक्सप्लेन आर प्रूफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी डिक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, एक सर्टेन हाइट में जाने के बाद इसका वैल्यू जीरो भी हो जाता है जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, आगे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा कि जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे जी डिक्रीज होते होते एक कंडीशन आता ऐसा आता है कि जी जीरो हो जाता है कंप्लीट। तो जहां पर जी जीरो हो जाता है उसके ऊपर का जो पोजिशन है वो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड है, आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जी जीरो होने के अंदर तक ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है और उसे बाहर नहीं होता है, वो आगे मैं और डिस्कस करूँगा। तो ये है फर्स्ट वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विथ डेप्थ, सेकेंड
सेकंड इज गहराई के साथ में, डेप्थ मतलब अंदर हम चले जाएं, यदि हम ग्राउंड सरफेस के अंदर चले जाएं, माइंस में चले जाएं या किसी प्रकार से अर्थ में कोई होल करके नीचे चले जाएं, तो जी के वैल्यू में किस तरह से इफेक्ट होता है ये हमको पढ़ना है। देखो तो यहाँ पर सिचुएशन को आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया ये अर्थ और ये अर्थ का सरफेस है। सपोज अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है और यहाँ पर कोई स्मॉल एम का पार्टिकल रखा हुआ है और अर्थ के रेडियस को हमने ले लिया है कैपिटल आर। ओके, अब इमेजिन करो कि ये जो बॉडी है ये अर्थ के अंदर यहाँ चला गया, ये h डेप्थ अंदर चला गया। तो अब इसका लिए जो रेडियस होगा अर्थ का साइज ऐसा हो जाएगा, मतलब ये इसका सेंटर है। तो अब ये जो डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एच। क्लियर, क्योंकि h डेप्थ हम अंदर चले आए और यहाँ पर सपोज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस गहराई पर, यहाँ पर सपोज एक्सेलरेशन जी डैश है। ये ग्राउंड सरफेस के पॉइंट को हमने ए कंसीडर किया और सपोज यहाँ पर के पॉइंट को हमने बी कंसीडर कर दिया। ए इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड बी इज़ द पॉइंट इनसाइड ऑफ द अर्थ एट एच डेप्थ। एच डेप्थ नीचे पर उसका पॉइंट है। अब हम वन बाई वन वहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बहुत से राइटर का आप कैलकुलेशन देखोगे बुक्स में, तो उन लोगों ने जी इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है और बाद में उसको डेंसिटी में कन्वर्ट किया है। बट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बिगिनिंग से ही मैं डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने का रीज़न क्या है कि अब अर्थ का मास क्या हो रहा है, वेरिएबल हो गया। क्योंकि हम जब ग्राउंड के सरफेस पर थे तो होल मास उसका एक्ट था, लेकिन बॉडी जब एच डेप्थ अंदर चला आएगा तो यहाँ चला आने पर अब इतना जो हमारा अर्थ का साइज है इसका मास वर्क करेगा और इसका मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आर माइनस एच रेडियस के अर्थ का मास कितना हो सकता है। बट डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, डेंसिटी आप ग्राउंड सरफेस में रहोगे तो भी उतना रहेगा और अंदर चले आओगे तो भी उतना। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है। बार बार आपको मैं एक ही बात पर जोर देता हूँ कि फिजिक्स में आपको चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में वो हो कैसे रहा है, और उसको आप सीधा सीधा लर्न करोगे तो समझ में नहीं आएगा फिजिक्स, और आगे चल के आप कुछ ज़्यादा अच्छा फिजिक्स में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो डेप्थ में जाने के बाद डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, भले ही मास चेंज हो जाएगा। तो दो पॉइंट पर इसका भी अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन के मैथमेटिकल स्टेप में कुछ नहीं रखा है, कैलकुलेशन का जो मैथमेटिकल स्टेप होता है वो बहुत इजी होता है। मेन है उसके कैलकुलेशन के रीजन को समझना कि हमने ऐसा कैलकुलेशन क्यों किया। सबसे पहले एट पॉइंट ए दैट मीन्स ऑन द सरफेस, एट पॉइंट ए मतलब ऑन द सरफेस, ये ध्यान रखना। अब सरफेस में हम लिखें स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन विथ डेंसिटी, तो हमने ये रिलेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 4/3 πgRd। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस करना, कोई भी स्टूडेंट यदि किसी भी चैप्टर के वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखेगा, जैसे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है और वो सेकंड को देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे सब्जेक्ट का मैथ्स हो चाहे फिजिक्स, हमारे सब्जेक्ट का नेचर है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले प्रीवियस टॉपिक पर अच्छा कमांड करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको मेरा सजेशन है कि जब भी आप किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आपने हमारा पूरा सीक्वेंस को देखा है नहीं के प्रॉपर। इसीलिए हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बराबर लिखते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि प्रॉपर आर्डर में सिलेबस है। कहीं से भी आप वीडियो उठा के देखेंगे समझ में नहीं आएगा या प्रॉब्लम होगा। तो ये सब फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में आपको सब समझाया था। तो जी इक्वल टू 4/3 πgRd होगा, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन एट पॉइंट बी, यदि हम पॉइंट बी पर बात करें तो पॉइंट बी पर सपोज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश है, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/3 πgR - h। अब इसका रेडियस कितना हो गया है, ये r माइनस एच, और डेंसिटी तो कांस्टेंट है तो डेंसिटी रहेगा। दिस इज रिलेशन नंबर टू। अब हमको दोनों में कंपैरिजन करना है तो क्या करें, नाउ जैसे अभी हमने किया था, नाउ सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वांटिटीज कैंसिल आउट होएंगे, मैं राउंड कर देता हूँ, 4/3 से कैंसिल होगा, ππ से कैंसिल होगा, g से कैंसिल होगा और d से, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करने से जो वैल्यू अपने को मिलेगा
वो सेकंड ये है, तो आर माइनस एच, आर माइनस एच अपॉन आर, ये जी डैश अपॉन जी होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जी डैश अपॉन जी इक्वल, अब देखो आर को इसके साथ में अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, तो आर का आर के साथ में डिवाइड होगा, वन होगा, वन माइनस एच में आर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन आर। ये इसका फाइनल इक्वेशन है, और यहाँ से देखो न्यूमेरिकल्स बनाने में ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे। अब यहाँ से देखो सिंस वन माइनस एच अपॉन आर इज लेस देन वन, यहाँ पर भी देखो कि राइट हैंड साइड जो है वन माइनस एच अपॉन आर वो लेस देन वन है, क्योंकि वन में कोई भी समथिंग चाहे कितना भी स्मॉल क्वांटिटी हो, वन में कोई भी वैल्यू जब माइनस होगा तो फाइनल रिजल्ट इज लेस देन वन। देयरफॉर जी डैश, तब हम लिख सकते हैं जी डैश अपॉन जी इज आल्सो लेस देन वन, सिंस राइट हैंड साइड इज लेस देन वन देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी आल्सो लेस देन वन, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू वन, देयरफॉर जी डैश इज लेस देन जी, दस जी विल बी डिक्रीजेस, दस जी विल बी डिक्रीजेस। इसे क्या पता चला कि जी डैश मतलब जो अंदर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एच डेप्थ में, हमने एच डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश लिया है, सरफेस पर जी लिया है, मतलब अंदर जाने से उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर दो टॉपिक हमने पढ़ा, एक तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइट वहाँ भी डिक्रीज होता है, मतलब ग्राउंड के सरफेस से ऊपर जाएं तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और ग्राउंड सरफेस यदि हम नीचे चले जाएं तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। क्लियर? तो ये होता है इसका सेकंड नंबर विथ डेप्थ। ओके, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये सब चैप्टर हमारे हिंदी मीडियम के क्लास में हो चुके हैं, हमारा चैप्टर बाइलिंगुअल है, आपको पता है कि हम हर वीडियो को दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश के लिए हम फिजिक्स के अलग से वीडियो डालते हैं, हिंदी के लिए अलग से डालते हैं, मैथमेटिक्स का हमारा क्लास कंबाइंड होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और जहाँ है वहाँ पर हम उसको एक साथ दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का ये क्लास है कम्प्लीट, इसका आपको नोट्स भी अवेलेबल है, और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के सिलेबस को लेकर हम चल रहे हैं, CBSE एंड स्टेट बोर्ड आल्सो, क्योंकि अभी पूरा यूनिफाइड कोर्स चलता है पूरे इंडिया में, स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं ऑलरेडी वो CBSE को फॉलो करके बनाए गए हैं, तो आपके साथ अपने बोर्ड का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आपको कंप्लीट कंटेंट्स यही पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरिएशन इज थर्ड इज शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप के कारण, अर्थ के शेप के कारण किस तरह से चेंज होता है। देखो अर्थ का शेप क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप का नाम क्या है। ठीक है, जनरली हम लोग लोअर क्लासेस में या फिर कहीं भी कुछ पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये उसकी जरह है, उसके तरह एक की तरह है, एप्पल की तरह है, कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करके हमको लोअर क्लासेस में बचपन में हमारे टीचर पढ़ा देते हैं कि भाई अर्थ का शेप ऐसा है, अर्थ एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होके वो इस तरह से है। लेकिन अब हम हायर क्लास में हैं, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अर्थ के शेप का एक ऑलरेडी साइंटिफिक नेम है, उसकी तरह जैसा कोई मैटर नहीं है, उसका खुद का अपना एक नाम है, जैसे स्फेयर है, जैसे कोन है, क्यूबॉइड है, जो भी आप और भी ज्योमेट्रिकल शेप जानते हैं उसी तरह से अर्थ के शेप का उसके डिजाइन का भी एक नाम है, और उसका नाम है ऑब्लेट स्फेराइड। ऑब्लेट स्फेराइड इज द नेम ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। ऑब्लेट स्फेराइड मतलब एक डिज़ाइन है, जैसा अर्थ है उस अर्थ के शेप को ऑब्लेट स्फेराइड बोला जाता है। क्लियर? ऑब्लेट स्फेराइड। अब ये होता कैसा है, ऑब्लेट स्फेराइड को हम किस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं। देखो ऑब्लेट स्फेराइड मतलब ये तो मैं बना दिया स्फेयर, और यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से है,
एग्जैक्ट हम उसको नहीं बता पाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स लोग जब देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है, लेकिन कुछ इस तरह से वो अपने पोल्स पर क्या होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है और इस तरह से थोड़ा सा दबा हुआ है। इस शेप का नाम है ऑब्लेट स्फेराइड। आज के बाद ध्यान में रखना द नेम ऑफ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शेप ऑफ अर्थ, जनरल नॉलेज में फिजिक्स के जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, द नेम ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेराइड। हिंदी में उसको लब्धवक्ष गोलार्ध बोला जाता है, इंग्लिश में ऑब्लेट स्फेराइड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, इस शेप में होने के कारण इसके हम रेडियस पर बात करें, यह इसका पोल लाइन है, यह इसका इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है, ठीक है, पोल एक्सिस है, यह इक्वेटर एक्सिस है, और नेचुरली आप यहां से फिगर में देख रहे हो कि यह अर्थ का सेंटर है, तो एक रेडियस ये हुआ, दैट इज इक्वेटर रेडियस, ये इक्वेटर लाइन है, ये पोल लाइन है, एंड दैट इज पोल रेडियस RP। तो यहां से आप देखो कि रेडियस दो डिफरेंट है, मतलब अर्थ के दो रेडियस हैं कह सकते हैं, एक इक्वेटर रेडियस एक पोल रेडियस, और नेचुरली यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो कि RE इज ग्रेटर देन RP। जो इक्वेटर रेडियस है वो बड़ा होता है क्योंकि फैला हुआ है, ये दबा हुआ है तो ये छोटा होता है। अब इस कारण से जी के वैल्यू में कैसे वेरिएशन होता है ये हमको समझना है, ठीक है, इस तरह से कैसे इसमें वेरिएशन होता है देखो। तो हमको पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, जी इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होते हैं, तो जी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², ये हमको मालूम है कि जी का वैल्यू होता है रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग लिखें तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से GP अपॉन GE, ये मैं लिख रहा हूँ GP अपॉन GE। तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो अर्थ का ये इक्वेटर रेडियस ऊपर चला जाएगा और अपान हो जाएगा RP² ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। इस रिलेशन से क्योंकि स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो पोल ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको पता है देखो, चूंकि हमने यहाँ पर यह लिखा है RE > RP, मतलब इक्वेटर रेडियस पोल रेडियस से ग्रेटर होता है, दैट मीन्स RE > RP। तो राइट साइड में देखो, जब ये RE RP से ग्रेटर होगा तो रेशनल नंबर है, तो लेफ्ट साइड में भी यही बिहेवियर होगा, देयरफॉर यहाँ पर इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स GP > GE। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट मीन्स GP और इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है GE, तो पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन होता है किसके, इक्वेटर के। दैट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ पोल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन एट द पॉइंट ऑन इक्वेटर लाइन। ओके, पोल पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वह इक्वेटर से ज़्यादा होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए जितने भी हम लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, रॉकेट लॉन्च करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, तो हमारी कोशिश होती है कोई इक्वेटर लाइन के आसपास हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना कम होगा हम उतने ही आसानी से रॉकेट को क्या करेंगे, स्पेस में भेज सकेंगे या सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि पोल और इक्वेटर पर इस तरह का रिलेशन होता है। ये वेरिएशन का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार स्टार्टिंग में भी मैं बोला और बीच बीच में मैं आपको याद दिलाते जा रहा हूँ, यही चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंपैरिजन पर ही बेस्ड होगा। इसके जितने न्यूमेरिकल्स नीट या IIT JEE या इंडिया वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ग्रेविटेशन से, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कंपेरिजन पर बेस्ड आते हैं कि उस प्लेनेट पर इतना है, उस प्लेनेट पर इतना है, तो उसको इतना इंक्रीज कर दिए, उसको इतना डिक्रीज कर दिए, परसेंटेज डिक्रीज कर दिए। और न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में मैं आपको उसको ढंग से पढ़ाऊंगा तो वहाँ अलग से बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स का हम अलग से वीडियो डालते हैं NCERT के, अभी पेंडिंग है, पीछे से डालेंगे उसको। 11th का क्लास थोड़ा स्लो हुआ मेरा ये सिचुएशन के कारण, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह हुए नहीं, बाकी आपको आप कंटिन्यूस क्लासेस मिलेंगे और आप जल्दी उसको पूरा करके आप कॉम्पिटिटिव के पैटर्न पर तैयार होइए। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वेरिएशन इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ या रोटेशनल मोशन। ये हम कह सकते हैं ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण,
हमको मालूम है कि अर्थ की जो वेलोसिटी है वो टू टाइप्स की है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड एज वेल एज रोटेशनल आल्सो। आपको पता है कि वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व भी हो रहा है, घूम भी रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और अपने एक्सिस पर रिवॉल्व भी हो रहा है। डे एंड नाइट जो होता है वो उसके रिवॉल्यूशन के कारण है, और सर्कुलर ऑर्बिट पर, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करने के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसका कि रोटेशनल मोशन के कारण, उसके रोटेशन के कारण कैसे चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। रेयर ऑफ द रेयर स्टूडेंट ही होते हैं जिनको मैंने आज तक इतने लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका इसमें अच्छा कमांड होता है। या तो क्लास में, स्कूल में टीचर्स छोड़ देते हैं, छोड़ो काम का नहीं है, ये है वो है, जो भी है ऐसा स्किप कर देते हैं उसको, मुझे पता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए आप कॉम्पिटिटिव में बैठोगे तो इसमें से बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना रोटेशन मोशन के कारण किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पर हमने सपोज ये अर्थ इमेजिन कर लिया, हमने एक अर्थ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको कंप्लीट सर्कल बना लिए, यहाँ पर हम उसके सिचुएशन को समझते हैं। देखो सपोज ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है आर, क्लियर। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इमेजिन किया। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर होगा तो इसके सेंटर के तरफ इसमें क्या होगा, इसका वेट वर्क करेगा, दैट इज एम जी। क्योंकि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो टूवर्ड सेंटर वर्क करता है, ये होगा। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अभी हम कंपेयर करेंगे। अब देखो जब कोई भी पार्टिकल, ये अर्थ का रोटेशन है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, सपोज ये अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो हमको मालूम है कि कोई जब बॉडी, जैसे मान लो आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल को आप रोटेट करा रहे हैं, लेकिन फुटबॉल पर सपोज मैंने एक पेन से एक स्पॉट बना दिया, एक निशान लगा दिया, तो वो जो पॉइंट है वो उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है। मतलब जब कोई थ्री डायमेंशन बॉडी रोटेशन मोशन करता है तो उसका हर पार्टिकल, आपने रोटेशन मोशन में पढ़ा है, उसका हर पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। दैट मीन्स मोशन ऑफ द ईच पार्टिकल इज सर्कुलर विथ रेस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस आर रोटेशनल एक्सिस। इन दैट कॉन्सेप्ट द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज सर्कुलर आल्सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर यह शो कर दिया, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का है, कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो जब ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करेगा इस साइड में। सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये स्मॉल पाथ का रेडियस स्मॉल आर है, ये पार्टिकल जो एम मास का है इसका यहाँ से एंगल सपोज लेमडा है। फिगर ध्यान से समझना क्योंकि टोटल कैलकुलेशन फिगर पर बेस्ड है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, अंदर के तरफ एम वी स्क्वायर अपन आर सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करेगा, उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स दिस सेंटर, क्लियर। अब इसके कारण होगा क्या, देखो ये लेमडा है तो ये वाला एंगल भी लेमडा होगा, अल्टरनेट एंगल है। अब ये बॉडी का वेट है जो इसके अर्थ के सेंटर के तरफ काम कर रहा है, तो ये जो एडिशनल फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ एम वी स्क्वायर अपन आर, उसका इस डायरेक्शन में, यहाँ एरो लगा के मैं लिख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा वो कास्ट कंपोनेंट होगा। क्यों? क्योंकि यह लेमडा के साथ लगा हुआ साइड है, लेमडा के साथ लगा हुआ जो साइड होता है वो कास्ट कंपोनेंट होता है। तो टूवर्ड सेंटर इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर इंटू कास्ट लेमडा, टूवर्ड सेंटर कंपोनेंट हो जाएगा, टूवर्ड सेंटर कंपोनेंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स दिस सेंटर, बट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज द डायरेक्शन ऑफ टूवर्ड्स द वेट। और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि जब हम वेट के टूवर्ड्स कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो अपरेंट वेट होता है उसका वो एम जी माइनस एम ए होता है, ये हमको पता है। इसको अब हम आगे और चेंज कर लें इस फार्मूला को, तो ये हो जाएगा m और v को लिख दें हम r इंटू ओमेगा, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू कास लेमडा अपान r होगा। इसको आप डिवाइडेड लाइन नहीं समझ रहे ना, इसको मैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको अलग से स्पेस ही बना देता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कल के लिए कोई वीडियो देख के कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम वी को आर ओमेगा का स्क्वायर इंटू कास लेमडा अपॉन स्मॉल आर, दैट इक्वल ये हो जाएगा
एक आर इसके साथ में कैंसिल होगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास लेमडा। ये जो वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो ये टूवर्ड्स सेंटर फोर्स हो जाएगा। देयरफॉर अपेरेंट वेट, देयरफॉर वहाँ पर जो वेट होगा डब्ल्यू डैश, यहाँ पर उसका मैं वेट को डब्ल्यू डैश लिख रहा हूँ, और डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, मतलब उसका जो वेट है, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सको तो ये एक एडिशनल टॉपिक आपका प्रिपेयर हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा टॉपिक किसका कितना किस लेवल में कमांड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आगे बढ़ पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं एम जी डैश। अब हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जी डैश है, तो एम जी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी माइनस एम। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जिसको मैं यहाँ से अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यह अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है ये क्या है, हम ये मेजरेबल नहीं है, हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पार्टिकल है क्या पता कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, लेकिन कैपिटल आर तो मेजरेबल है, क्योंकि कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ कैलकुलेटेड, 6400 किलोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ कैलकुलेट, बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज नॉट कैलकुलेटेड, उसको हमको पता नहीं है कि उसका वैल्यू कितना, इसलिए हम स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो इस ट्राइंगल को आप देखो, ये सपोज एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल आप देख रहे हो, ओ सपोज इसका नाम दे दिया मैं ए, ये बी है, और ये सपोज ये सी है, तो ओ बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, यहाँ पर मैं क्लियर लिख देता हूँ, तो ओ बी सी में यदि मैं यहाँ पर निकालूँ कास लेमडा, यदि मैं यहाँ पर कास लेमडा निकालता हूँ तो ध्यान देना ये लेमडा है, तो कास लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है ये स्मॉल आर इसका बेस है जो उसका रेडियस है, और अपन हाइपोटेनियस ये रेड कलर की लाइन है जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो स्मॉल आर अपन कैपिटल आर हो जाएगा। देयरफॉर यहां से हम स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर कास लेमडा, ये स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा, और इस वैल्यू को अब यहाँ पर हम पुट अप कर देते हैं, जो हमने स्मॉल आर का वैल्यू निकाला है उसको यहाँ पर पुट अप कर देते हैं आर के जगह में, तो हमने निकाला है आर कास लेमडा ये हो गया, और ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा, ठीक है कॉर्नर में लिखा हूँ देखना, ये कास ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। अब आप देखो दोनों साइड से क्या होगा, ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम दूसरे कलर से कर दूं थोड़ा हाईलाइट होगा, स्मॉल एम ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली हमको जो यहाँ पर रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस, अब यहाँ पर देखना आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी हो गया कास स्क्वायर लेमडा, कास लेमडा इंटू कास लेमडा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये जो फार्मूला हमको मिला है लास्ट में यही क्या है रोटेशनल मोशन के कारण है। अब कैसे है ध्यान से सुनना, जब अर्थ रोटेट होगा तो अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण इतना वैल्यू में चेंज आता है, इसके कारण क्या होता है रोटेशन के कारण प्लेस चेंज होने पर, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कि जब हम क्या करते हैं अर्थ में प्लेस चेंज कर देते हैं, ये बात आपने कॉमन रूप से सुना होगा कि आपके शहर में स्माइल जी का वैल्यू अलग है, आप वहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले गए तो वहाँ पर स्माइल जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो प्लेस चेंज होने पर स्माइल जी का वैल्यू क्यों चेंज होता है, तो प्लेस चेंज होने पर स्मॉल जी के वैल्यू का चेंज होने का कारण उसका रोटेशनल मोशन, क्यों ऐसा हुआ, इस फार्मूला में आया है लेमडा, देखो इस फार्मूला में लेमडा आया है, और लेमडा ये वाला एंगल है, ये लेमडा एंगल है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आ गए तो नेचुरली जब वहाँ लेके आएंगे तो लेमडा चेंज होगा, और जब लेमडा चेंज होगा तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से अर्थ में जब हम अपना प्लेस चेंज करते हैं, अर्थ में जब हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो पोजीशन चेंज करने पर लेमडा चेंज हो जाता है, और लेमडा के चेंज होने पर जी डैश भी चेंज हो जाता है, जी भी चेंज हो जाता है, इस तरह से प्लेस चेंज होने पर ये चेंज हो जाता है। अब इस पॉइंट को हम अलग से दो पॉइंट पर पढ़ें नोट करके जो हमने पीछे पढ़ा है, सबसे पहले एट इक्वेटर लाइन में माने ए पॉइंट पर यदि हम चले आएँ तो नेचुरली जब ए पॉइंट पर चले आएंगे तो लेमडा क्या हो जाएगा,
लेमडा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप फिगर में देखो, इस पॉइंट को मैं यहाँ कर दूँ तो लेमडा विल बी जीरो। देन उस कंडीशन में जी डैश इक्वल टू क्या, इसको अब जी ई कह रहा हूँ मैं, जी डैश को अब मैं जी ई कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। जी ई, इसको जी ई कह रहा हूँ, इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास जीरो, ये जीरो हो गया। और कास जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेटर लाइन पर होता है, और यदि हम उसको करें, पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यदि हम पोल पर करें तो पोल पर नेचुरली लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। कैसे, फिगर से देखो, यदि हम इसको पोल पर ले आएँ, यहाँ पोल पर ले आएँ, तो टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। और लेमडा 90 होने पर कास 90 जीरो होता है, तो जी पी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप दो रिलेशन देखो, एक जी ई आया है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और जी पी आया है जी के इक्वल, दोनों का आप कंपेयर करो, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर जी पी इज ग्रेटर देन जी ई। क्यों होगा, क्योंकि जी पी का वैल्यू जी है, और जी ई का वैल्यू क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, मतलब उसमें कुछ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये बात प्रूफ हो गया जो हमने पीछे पढ़ा है, कि जी पी क्या होता है, जी से ग्रेटर होता है, मतलब पोल लाइन और इक्वेटर लाइन का हम कंपेरिजन करें तो ये बात यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि यहाँ इक्वेटर लाइन पर जी का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर जी है, और पोल पर जो वैल्यू है जी पी, तो जी पी इज ग्रेटर देन जी ई फ्रॉम दिस रिलेशन। इसको आप हाईलाइट करके रख सकते हो, इस रिलेशन से और इस रिलेशन से, ओके। तो ये है ड्यू टू रोटेशन, रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, और ये इसका फाइनल इक्वेशन है, इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है। जी डैश, तो स्पेशल कंडीशन है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। तो ये अभी हमने पढ़ा कि वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, विथ इट्स शेप विच इज ऑब्लेट स्फेराइड, एंड फोर्थ इज ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन के कारण जी के वैल्यू में किस तरह से चेंज होता है। तो ये पूरे टॉपिक आप फोर टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसके जो क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केपलर्स लॉ, ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, एक पार्ट में और आप उसको पढ़ोगे, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेटेलाइट। तब तक इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और इसमें अपना अच्छा कमांड बनाइए। ओके, थैंक यू।